वेलकम टू माय चैनल कुक विद पारुल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही फेमस रेसिपी जो जनरली आप होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और वही ऑर्डर करते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात होती है कि हम उसे रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं लेकिन घर में वो बात नहीं आती। तो आज की जो फेमस रेसिपी है वो है पनीर लबबदार। मैं आज आपको बताऊंगी कि पनीर लबबदार कैसे बनाए कि उसमें रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आए और आपको वो बहुत स्वादिष्ट लगे। तो मेरे इस वीडियो में आप उन बेसिक टेक्निक्स को जान पाएंगे जो किस स्टेज पर अगर आप वो सब्जी बनाते हैं और उसमें वो टेक्निक यूज करते हैं, किस तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू आती है। तो इसको जानने के लिए प्लीज वॉच माई कम्प्लीट वीडियो, जिससे कि आप जान पाए कि कैसे बनाते हैं पनीर लबबदार रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए देख लेते हैं। पनीर लबबदार रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, दो बड़े टमाटर, दो बड़ी बारीक कटी प्याज, 10-12 काजू, 4 टेबलस्पून बटर, दो तेज पत्ता, 2-3 इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2-3 लौंग, लगभग 3-4 पीस छोटे टुकड़े अदरक के, 2-3 गार्लिक के क्लोव्स, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया और लगभग और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 6 टेबल स्पून फुल क्रीम, 2 टेबल स्पून श्रेडेड चीज गार्निशिंग के लिए। पनीर लबबदार रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस पर पैन रखूंगी और उसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। इसमें हम डालेंगे इलायची, दालचीनी और लौंग, कुछ पीसेस अदरक के, थोड़े से गार्लिक क्लोव्स, काजू और टमाटर। इसको हम पहले बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ। अब हम मैं बताती हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। इससे क्या होगा कि अगर हम इसको बॉईल कर लेंगे तो ये सब्जी में देगा वॉल्यूम यानी थिकनेस, और इससे बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया पनीर लबबदार। तो ये वॉल्यूम देने के लिए, उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए हम इसे पहले पानी में उबाल रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बॉईल हो रहा है। तो बस इसको हम 5-6 मिनट बॉईल करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा बहुत ही बढ़िया अरोमा। और अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और इसके बाद इसको मैं ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डालूंगी बटर, थोड़ा बटर मैं बचा लेती हूँ एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए, वो मैं बताऊंगी। बटर मेल्ट हो गया है, इसमें अब हम डालेंगे बे लीफ और बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो एक चीज मैंने आपको बता दी है कि इसको वॉल्यूम करने के लिए, इसमें वो अरोमा लाने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल, तो हमें पहले पानी में वो सब चीजें बॉईल होके उसका हमें पेस्ट बनाना होगा। सेकंड थिंग इज कि अब हम इसको हम बटर में बनाएंगे जिससे कि वो खुशबू इसमें इंटैक्ट रहे। देखिए इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये लगभग मैंने 5-6 मिनट तक इसको सॉटे किया है। बस डन है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको अब हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट जो हमने पहले पानी में बॉईल करके तैयार किया था। ये पेस्ट हमने डाल लिया है और अब इसको हम धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भुनने देंगे। इस स्टेज पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ।
यहाँ पर जरूरी चीज ये है कि हमें इसको लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक कुक करना है लिड लगा करके। उसी से इसमें एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल स्मेल आने लगेगी और बहुत ही अच्छी खुशबू होगी वो। तो अभी हमें क्या करना है कि इसको जब तक ये अच्छी तरीके से भुन नहीं जाता, लगभग 5 मिनट के लिए मैं इस पर लिड लगा देती हूँ और इसको भुनने के लिए लो फ्लेम पर रख देती हूँ। इसको जरा चला लेती। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ पनीर। अब इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए फिर से लिड लगा करके बॉयल होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे इस स्टेज पर थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप करती है। थोड़ा सा श्रेडेड चीज, और इस पर्टिकुलर स्टेज पे मैं डालती हूँ थोड़ा सा बटर, जो इसमें बहुत ही अच्छा अरोमा और इसको टच देगा रेस्टोरेंट स्टाइल का। मिक्स कर लेते हैं। और एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट क्रीम, मैं इसमें डालती हूँ क्रीम। अगर आपके पास घर में क्रीम अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप लीजिए 2 टेबल स्पून थिक कर्ड और उसमें मिला लीजिए 4 टेबल स्पून मलाई और उसको फेट कर उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो इसी के तरीके से काम करेगी। ये हमारी बिल्कुल माइल्ड रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार लगभग तैयार है। 1 मिनट और से बहुत ही लो फ्लेम पे हम थोड़ा सा कुक होने देते हैं और उसके बाद हमारी पनीर लबाबदार बिल्कुल बन करके तैयार रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर से इतनी अच्छी अरोमा आ रही है कि बस अब मुझे रुका नहीं जा रहा है। प्लीज आप लोग इस रेसिपी को जरूर जरूर, मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें, बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वाकई पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके व्यूज और कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट करें। होप यू लाइक दिस रेसिपी। मैं ऐसी ही क्विक इंस्टेंट सिंपल रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।